हैदराबाद का मामला अभी थमा नहीं कि एक और गैंगरेप की वारदात ने उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में दस्तक दे दी। ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा को भाई के एक्सीडेंट की झूठी खबर देकर भाई के ही चार दोस्तों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे डाला। FIR लॉज की गई है। FIR लॉज करने के बाद में मेडिकल कराया जा रहा है और घटनास्थल एस्टेब्लिश किया जा रहा है तथा टीम हमारी मुलजमान की तत्काल गिरफ्तारी के लिए रवाना हो चुकी है और हमारा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके इस संपूर्ण प्रकरण को प्रकट करें। मामला फिरोजाबाद के थाना पछोकरा क्षेत्र के गांव गालिब का है, जहां आगरा की रहने वाली BA की छात्रा का भाई के ही दोस्तों ने अपहरण करने के बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद 22 वर्षीय छात्रा को बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी युवक भाग गए। किस प्रकार का है जो उनके द्वारा बताया गया, वो कुछ बलोरो से मिलता जुलता व्हीकल बताया गया है और थाना पछोकरा क्षेत्र में इनको ड्रॉप किया गया है। हम उन्हीं के बताए हुए एविडेंसेस के बेसिस पर कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे मान की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। छात्रा ने होश में आने पर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया कि भाई के दोस्तों ने एक्सीडेंट की झूठी खबर देने के बाद मुझे गाड़ी में लेकर एतमादपुर क्षेत्र में खेत में ले जाकर मेरे साथ गैंगरेप किया। आगरा की रहने वाली हैं, थाना छिंदरा की। आज प्रातःकाल में जब ये कोचिंग के लिए जा रही थी तो इनके भाई के परिचित इनका दोस्त, उसके भाई का दोस्त जो है, उनके द्वारा ये बताया गया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो इनको जो है लेकर के अपनी एक 4-व्हीलर गाड़ी में, जो कि संभवतः बलेरो जैसी गाड़ी थी, उसमें इनको लेकर के ये आए हैं। उसके बाद में इसमें गाड़ी में कुल 4 लड़के बताए गए हैं, जिनमें से ये 3 लड़कों को पहचानती हैं, इनके नाम इनके द्वारा बताए गए हैं, चौथे अभी तक ये पहचानती नहीं है। इनके द्वारा एक स्थान पर रेप करने के बाद में थाना पछोकरा क्षेत्र में ड्रॉप किया गया है। भले ही महिला सुरक्षा के लिए सरकार तमाम वायदे करती हो, लेकिन सभी वादे खोखले नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी लग रहे हैं। फिरोजाबाद से सिटी टुडे न्यूज के लिए शुभम जादौन की रिपोर्ट।